नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट और लेवल टू वेटिंग प्लस रिसिपल के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज की न्यूज़ देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पत्रिका की न्यूज़ है सीकर से। यहाँ पर देखिए पूरी खबर दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम लेवल में मांगी, द्वितीय में दस्तावेज सत्यापन की तैयारी, रीट भर्ती 2018 से जुड़ा है मामला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 के दोनों लेवलों से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। निदेशालय ने अब सभी जिला परिषदों से प्रथम लेवल में अब तक कार्य ग्रहण करने वाले सामान्य व विशेष शिक्षकों की जानकारी मांगना शुरू कर दिया है। और आगे देखिए, रिक्त पदों की सूचना संभवतः शुक्रवार शाम तक, यानी आज, ठीक है, शुक्रवार शाम तक बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि नव नियुक्त शिक्षकों को कार्य ग्रहण करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में विभाग प्रतीक्षा सूची के लिए कवायद मार्च महीने के पहले सप्ताह में शुरू करेगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर मार्च के पहले वीक में आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब रीट लेवल द्वितीय में लगभग 7000 पदों पर प्रतीक्षा सूची जनवरी महीने में ही जारी हो चुकी है। मामला न्यायिक प्रक्रिया में उलझने के कारण चयनित अभ्यर्थियों परिषदों में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। पिछले दिनों इस मामले में चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की थी। इसी दौरान उन्होंने अगले सप्ताह तक दस्तावेज सत्यापन व काउंसलिंग का कैलेंडर जारी कराने का आश्वासन दिया था। इधर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने प्रथम व द्वितीय लेवल के चयनित बेरोजगारों के साथ बैठक की। बेरोजगारों का कहना है कि विभाग को तत्काल दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू करना चाहिए ताकि चुनावी फेर में भर्ती नहीं उलझे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज रीट लेवल फर्स्ट के जितने भी आंकड़े हैं दोस्तों, कितने खाली पद हैं, उनकी लिस्ट जो निदेशालय के पास शाम तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि शुक्रवार शाम तक, यानी आज, अगर आज दोस्तों नहीं पहुँचती है तो कल, डेफिनेटली कल तक पहुंच जाएगी निदेशालय के पास पूरी लिस्ट लेवल फर्स्ट की। और मार्च के पहले वीक तक दोस्तों आपकी जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी हो जाएगी। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आचार संहिता से पहले आपकी जो जॉइनिंग वगैरह वो कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों रीट द्वितीय लेवल की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो उपेन यादव है उन्होंने भी बोला था कि 28 फरवरी से पहले पहले आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और 7000 प्लस पदों पर लिस्ट जारी होगी, ये कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। और अभी की दोस्तों बड़ी खबर यही है कि प्रथम लेवल में मांगी, द्वितीय में दस्तावेज सत्यापन की तैयारी, रीट भर्ती 2018 से जुड़ा है मामला, ठीक है। तो दोस्तों लेवल टू के बारे में बात करें तो 28 फरवरी से पहले पहले दोस्तों 100% आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। और लेवल फर्स्ट के दोस्तों मान के चलिए मार्च के पहले वीक तक आपकी जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी होगी। तो अभी की दोस्तों बड़ी खबर यही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।